hello student example 3.8 look at the question first on a two lane road car a is traveling with the speed of 36 km per hour two cars b and c approaches car a in opposite directions with the speed of 54 km per hour each at a certain instant when the distance ab is equal to ac both being 1 km B decides to overtake a car A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid accident? Okay, accident uh, avoid करने के लिए कितनी कितना acceleration रहेगा वो define करना है पहले समझ लीजिए कि सपोज मेरे पास दो तीन कार है मीन्स तीन कार मेरे पास नहीं तीन कार यहाँ पे travel कर रहा है समझ लीजिए कि दिस इज़ द कार ए ये समझ लीजिए दिस इज द कार ए ठीक है उसका वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है वी ए इज इक्वल टू विच इज थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर उसे कन्वर्ट करना है थर्टी सिक्स इंटू थाउजेंड डिवाइड बाई थ्री सिक्स डबल जीरो ठीक है योग्य द आंसर विच इज टेन मीटर पर सेकेंड ओके दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कार ए इन दर्टिकुलर वन डायरेक्शन नाउ अप्रोचिंग बी एन सी विच इज अप्रोजिंग वी बी एन सी टू द ए ठीक है बी और सी इस दो ए के रिस्पेक्ट में ट्रैवल कर रहा है मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ दिस इज द कार और दिस इज अनदर कार ठीक है कंसीडर कर सके कुछ भी मैंने इसे सी कार कह दिया और इसे बी कार कह दिया मीन्स द वेलोसिटी ऑफ कार वी बी इन दैट डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ कार विच इज़ वी सी हेयर द वैलो ऑफ वी बी इज फिफ्टी फोर किलोमीटर पर आवर Again 54 in 2000 divided by 36 double zero and you may get 15 meter per second. Same thing for a VC. Okay, same speed, 54 kilometer per hour. You get the 15 kilometer, sorry, 15 meter per second for the velocity of car C, but which is opposite to the both car. That's why we are taking minus sign over here. ओके रिमेंबर दिस थिंग्स वेन वी टॉक अबाउट द अपोजिट वर्ड अगेंस्ट दैट टाइप ऑफ वर्ड इज कम इन द आ क्वेश्चन वी हैव टू टेक अ माइनस आइन दैट नाउ आफ्टर दैट इन अ क्वेश्चन वेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू द ए सी बोथ बिंग वन किलोमीटर मीन्स एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा फ्रॉम द कार ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक विच इज अबाउट वन Kilometer, one kilometer, one kilometer means what? They are talking about the thousand meter means distance of AB or distance of AC being one kilometer, which is means thousand meter. Okay. Now we have to define what acceleration to avoid accident, acceleration to avoid accelerations, so to accidents. Okay. Here we पहले क्या करना है ठीक है पहले हम डिफाइन करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार सी विद रिस्पेक्ट टू द समझ लीजिएगा विद द स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डिफाइन वेलोसिटी यहाँ पे लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ कार सी विथ रिस्पेक्ट टू द कार ए तभी तो हमें पता चलेगा कि ये कितने स्पीड में आ रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा और कितना टाइम लगा है क्रॉस करने में ठीक है You can write like that VCA velocity of car C with respect to the a, You can write VCE minus VA. Clear? Okay, we have a value of VC which is minus 15. You can write the minus 15 where the A is equal to 10, which is now minus 10. It becomes minus 25 meter per second. This is the velocity of car A with respect to the. विथ रिस्पेक्ट टू द कार ए नाउ इसकी वजह से हमें टाइम पता चल जाएगा यू कैन राइट लाइक दैट टाइम ऑफ टाइम दैट कार सी रिक्वायर्स टू रिक्वायर्स टू जस्ट क्रॉस कार एके मीन्स याइम टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिटेंस बाय वैलोसिटी चलो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है वन किलोमीटर किलोमीटर और वेलोसिटी विच इज रिप्रेजेंट एजोसिटी ऑफ कार ए कार सी विद रिस्पेक्ट टू द ए थाउजेंड इंस्टेड ऑफ वन किलोमीटर इन टर्म्स ऑफ मीटर और वेलोसिटी विच इज माइनस ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड बट टाइम नेवर बी इन अ नेगेटिव सो यू जस्ट Write twenty five over here and calculate that. I hope you are using the calculator over here. Chal, okay? You may get the answer. Now I am I, going to write which is forty second means time t take forty second. It means we can say that we can see that uh, car C take forty second to overtake a car A. Now. अब हमें क्या करना है वी नीड टू अवॉइड द एक्सीडेंट ओके इन ऑर्डर टू अवॉइड द एक्सीडेंट बी मस्ट ओवरटेक ठीक है इससे ओवरटेक करना पड़ेगा कार बी को कार ए को ओवरटेक करना पड़ेगा क्योंकि जो ओवरटेक नहीं करेगा वो तो एक्सीडेंट कंपलसरी यहाँ पे होगा तो वी कैन से दैट इन ऑर्डर टू अवॉइड द एक्सीडेंट बी मस्ट ओवरटेक कार ए इन टाइम लेस देन 40 सेकेंड क्योंकि यहाँ कार सी कितने सेकेंड में ओवरटेक कर रहा है 40 सेकेंड में उससे कम टाइम में उसे ओवरटेक करना पड़ेगा तो पहले हम यहाँ क्या डिफाइन करेंगे पहले वो देखिये वी नीड टू डिफाइन वेलोसिटी रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द एड राइट लाइक दी बी ए विच इज वी बी माइनस वी ए चलो वॉट इज वी बी

तो उसका उसमें उसका एक्सेलेशन कितना होना चाहिए तो यू कैन यूज दैट फॉर्मूला यूज अनदर पेन सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल डी इज इक्वल टू वी बी ए और वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ठीक है इंस्टेड ऑफ वी जीरो वी आर यूजिंग वी बी ए बिकॉज वी आर डीलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द ए ठीक है चलो डिस्टेंस विच इज थाउजेंड इज गिवन टू अस वी बी ए विच इज़ फाइव ओके हियर इट इज वैल्यू एंड दिस इज द फोर्टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमें डिफाइन करना है टाइम इज अ फोर्टी स्क्वायर ठीक है पूरा कैलकुलेशन कर दे यहाँ पे थाउजेंड फाइव फोर जा ट्वेंटी मीन्स टू हंड्रेड ही आ जाएगा यहाँ पे प्लस टू एंड ये 1600 A into 1600 cancel out, which is it become 800. Now you can use that 1000, it's come this directions minus 200 is equal to 1800 A. And here have 1800 1800 is equal to 1800 into A. It means you can write acceleration. 1800 divided by 1800, which is cancel out one meter per second square. Now you can say that one meter per second square is the minimum acceleration that car B required to avoid the action accident. Okay, uh, you can write this sentence in your notebook. I, I am repeating again: one meter second square, one meter per second square is the minimum acceleration that car B requires to avoid and accident thank you